सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग फील्ड में एमी फील्ड में कैट ए एंड कैट बी का सैलरी कितना होता है और क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये डिफरेंस होता है सैलरी में। सो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिए। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहो। सो गाइस, चलिए आज का ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का सैलरी नहीं बता रहा हूं। जनरल जो कैट ए एंड कैट बी वन का जो सैलरी डिफरेंस होता है, क्यों होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो लोग डेली व्यूवर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं एमी से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट बना चुका हूं और स्पेशली कैटेगरीज कितने होते हैं एमी में, कैट ए, कैट बी वन, कैट सी और कैट बी वन पॉइंट। तो मैं एमी कैटेगरीज का जो वीडियो बनाया था उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो ये वीडियो देखने के बाद। तो आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ कैट ए एंड कैट बी को डिस्कस करूंगा। तो यार देखो, सैलरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैट ए और कैट बी का क्या काम है। देखो, कैट ए का काम जो होता है वो माइनर शेड्यूल लाइन मेंटेनेंस एंड सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन वो साइन कर सकते हैं, जैसे प्री फ्लाइट, पोस्ट फ्लाइट और भी जो छोटा मोटा जो इंस्पेक्शन है वो कर सकता है। ज़्यादा हेवी मेजर बेस में काम वो नहीं कर सकता है। बेस में काम अगर करेगा तो वह टेक्नीशियन ही काम करेगा, लेकिन लाइन के लिए छोटा मोटा काम वो सर्टिफाई कर सकता है, तो वो ए हो गया। कैटेगरी बी में भी दो ब्रांच है, B1 और B2। तो B1.1 जो है वो मैकेनिकल स्ट्रीम, वो मैकेनिकल से रिलेटेड जितने भी मेजर मेंटेनेंस होगा, जितने भी मेजर इंस्पेक्शंस होगा उसको सर्टिफाई कर सकता है। एंड B2 एवियोनिक्स से रिलेटेड जितने भी मेजर मेंटेनेंस होगा उसको सर्टिफाई कर सकता है। सो अब आते हैं सैलरी के ऊपर। तो यार देखो, अगर मैं बात करूँ A1 की सैलरी का, तो A1 का सैलरी B1 से बहुत कम होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और कम क्यों होता है? बिकॉज काम उसका कम है, काम है सिंपल डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन और छोटा मोटा काम है उसका। जो कैटेगरी ए का सैलरी होता है वो बिटवीन 50,000 to 70,000 के बीच में ही होता है। जिनको भी ये डाउट है कि कैट ए और कैट बी वन को इक्वल सैलरी मिलता है क्योंकि दोनों ही तो इंजीनियर है, दोनों ही एमी है, तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में ये डाउट है तो आप क्लियर कर लो कि दोनों को सैलरी बराबर नहीं मिलता है। और अगर मैं बात करूं अभी बी कैटेगरी के इंजीनियर का सैलरी क्या होगा, तो बी कैटेगरी का जो इंजीनियर का सैलरी होगा वो मोर देन 2 लाख, मोर देन 1.5 लाख, 3 लाख, टोटली डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर कि कंपनी कितना ग्रोथ में है और कंपनी के पास कितना जहाज़ है, वो शेड्यूल है कि नॉन शेड्यूल है। तो अगर नॉन शेड्यूल है तो सैलरी कम होगा B1 का, बी का और ऑब्वियसली ए का, और अगर शेड्यूल है तो सैलरी ज़्यादा होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर। बट हाँ, जो मैं आपको सैलरीज बताया ए का और बी का, वो इसी के बीच में वेरी करता है। सो गाइस, यही था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको भी डाउट था तो आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में, नए स्टोरी, नए टॉपिक, नए एविएशन कंटेंट के साथ। एंड यस, जाने से पहले फिर से मैं बोल देता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाओ, आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो अगर आप पूरा वीडियो देख लियो तो लास्ट का जो अनाउंसमेंट है ये सुन लो बहुत ध्यान से। ये अगर आप आर्ट लवर हो, अगर आप मेरे लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, तो आपके लिए ये बहुत खुशखबरी है, ठीक है। तो मैं यार देखो, मैं आर्ट से रिलेटेड, पेंटिंग से रिलेटेड एक अलग चैनल स्टार्ट कर लिया हूँ जिसका नाम है द बॉर्न आर्ट। उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे से जुड़े रह सकते हो थ्रू आर्ट। बट वही लोग सब्सक्राइब करना जिसको आर्ट से प्यार है, आर्ट देखना चाहते हो, मेरा पेंटिंग देखना चाहते हो। सेकंड चैनल है जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, क्या नहीं है, तो उस चैनल का नाम है द क्रेजी लाइफ। तो अगर आप द क्रेजी लाइफ को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसका भी चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। 3-4 वीडियो उस पर पड़े हैं, बट अभी जो द बॉर्न आर्ट चैनल है उस पर अभी वीडियो नहीं है। जब वीडियो आएगा तब मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ से उसको भी सब्सक्राइब करना। सो आज का इस वीडियो में इतना ही, और मिलता है किसी नया और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डू डबल एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आई विल टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।